सब टीवी का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। एक्ट्रेस जेनिफर शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने के बाद से इसके कई कलाकारों ने असित के खिलाफ बात की है। ऐसे में असित कुमार मोदी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जेनिफर और शो के पूर्व डायरेक्टर मालव राजदा के बयानों के बाद अब शो में बावरी का किरदार अदा कर चुकी एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया का बयान भी अब सामने आया है। मोनिका भदौरिया ने न्यूज 18 से बात करते हुए मुनमुन दत्ता के शो छोड़ने की वजह बताई। उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि मुनमुन ने शो नहीं छोड़ा बल्कि उसे इतना टॉर्चर किया गया होगा कि वो काम पर आना ही नहीं चाह रही होगी। जब वो इस तरह टॉर्चर करते हैं तो लोग काम पर आना छोड़ देते हैं और फिर उन्हें बुलाकर मामला सुलझाने की कोशिश की जाती है। मोनिका ने कहा कि मुनमुन और असित मोदी के बीच काफ़ी बहस होती थी और बहस होने के चलते मुनमुन कई बार सेट छोड़कर जा चुकी हैं। मोनिका ने असित के बर्ताव को लेकर आगे कहा कि वो महिलाओं को अहमियत नहीं देते हैं। मोनिका ने आरोप लगाया कि असित मेल कास्ट की शूटिंग पहले खत्म करने की कोशिश करते हैं और उन्हें महिलाओं से ज़्यादा पेमेंट भी की जाती है। भले महिला और पुरुष दोनों का काम एक हो लेकिन महिलाओं को कम पैसे देते हैं और उनका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। मोनिका ने आगे कहा कि शो के प्रोड्यूसर इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो वो खुद बता भी नहीं सकती। मोनिका भदौरिया के इस आरोप पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताइए। टीवी दुनिया के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए एबीवी इंडिया न्यूज़।